मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज सिविक्स के चैप्टर 8 को पढ़ेंगे जो 8 क्लास का है। और 7th चैप्टर हम इसलिए पढ़ पा रहे क्योंकि सिलेबस आपको कम रखना है, ठीक है, ज़्यादा सिलेबस नहीं रखना, इसलिए 7th चैप्टर हमने जो है डिलीट कर दिया बेटा, इसलिए 8th चैप्टर आपको मैं समझा रहा हूँ। और 7th चैप्टर में क्या बात है वो इस चैप्टर के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो 7th चैप्टर आपका सीरीज का है, उसमें है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन क्या है पहले ये समझ लीजिए। जब आप लोग नोटबुक में काम करते हैं तो नोटबुक का एक तरफ जो है कुछ मार्जिन लाइन्स होती है, ये आपको अच्छी तरह पता है, लाइनिंग खींची होती है, तो वो बिल्कुल सेंटर में ना होकर पेज के बिल्कुल लेफ्ट साइड में होती है, राइट, यानी बिल्कुल सेंटर में ना होकर एक साइड में होती है, उन्हें मार्जिन लाइन्स कहा जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे समाज में, हमारे समुदाय में जो लोग हैं, पीपल हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल सेंटर में, मुख्य धारा में न रख करके सामान्य लोगों की तरह जीवन न व्यतीत न करने दे के कारण वे लोग जो है मार्जिनलाइज हो जाते हैं, अर्थात उन्हें सामान्य जनजीवन से अलग कर दिया जाता है, उन्हें बिल्कुल हास्य पर धकेल दिया जाता है, यानी उन्हें आम लोगों की तरह आम जीवन जीने के लिए मजबूर, आम जीवन जीने की मतलब स्वतंत्रता नहीं होती, यानी उन्हें जो है मुख्य धारा से, यानी जिस तरह से सामान्य लोग रहते हैं उस तरह लेकर उन्हें एक तरफ धकेल दिया जाता है बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो नौकरी हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, या और जितने भी क्रियाकलाप हैं उन तमाम तरह के कामों में उन्हें सामान्य जनजीवन जीने के लिए मजबूर से बिल्कुल पूरी तरह से वंचित कर दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को जो हास्यकर्म लोग होते हैं उसके बारे में पिछले चैप्टर में बताया गया, उनमें माइनॉरिटी के लोग भी हैं जिनमें मुस्लिम समुदाय के, पारसी, जैन, सिख, क्रिश्चियन, तो ऐसे लोग भी हैं जो मार्जिनलाइज किए गए हैं, ये माइनॉरिटी के लोग भी, इनको भी मार्जिनलाइज किया गया है, ये पिछले चैप्टर में आ चुका है। तो मैं उसके आपको थोड़ा संक्षिप्त में इसके बारे में बताया बेटा, इस चैप्टर में हम बताएंगे कि इस तरह के जो लोग हैं जो मार्जिनलाइज हो जाते हैं उनको इस मार्जिनलाइज कैसे निपटाया जाए, सरकार उसके लिए क्या कदम उठाती है, क्या उनके लिए कानून बनाया गया जिससे कि वो इस तरह सामान्य जीवन जी सके, और उन्हें भी आम यानी मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसमें सरकार क्या रोल अदा कर सकती है, या लोगों ने क्या संघर्ष किया, क्या आंदोलन किए, दलित लोग जो थे, जो हास्यकरण पर जो लोग थे, जो माइनॉरिटी के लोग थे, उन्होंने क्या संघर्ष किया जिससे कि वो भी सामान्य जीवन जी सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले पॉइंट क्या हमारा इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स। देखिए हमारे संविधान में सभी लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो उन फंडामेंटल राइट्स में कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जिनमें एक है, दो जो मौलिक अधिकार मुख्य हैं जो कि मार्जिनलाइज पीपल के लिए बहुत ही मुख्य माने जाते हैं, जिन्हें कहते हैं जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी सबको बराबर दी गई है, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, ये दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो यहाँ पर हास्यकरण पर गिरे हुए लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। पहला जो है राइट टू इक्वालिटी, अब इस मौलिक अधिकार और राइट टू फ्रीडम का जो अधिकार है ये तो लगभग सभी को मिले हुए हैं, चाहे वो आम व्यक्ति हो या हास्यकरण पर जो लोग वंचित हैं सामान्य जनजीवन से, उन लोगों को, यानी सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म व्यक्ति विशेष के व्यक्ति विशेष हों, उन सभी को उस 6 जो मौलिक अधिकार हैं वो सब मिले हुए हैं। उनमें ये दो मौलिक अधिकार जो यहाँ पर इसका हवाला देते हुए, जो दलित समुदाय के लोग हैं या हास्यकरण पर जो लोग धकेले गए हैं, जो हास्यकरण पर पड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इन दो मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए सरकार पर दबाव बनाया कि हमारे दो मौलिक अधिकार हैं, हम इनका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, हमारे लिए भी कुछ नए कानून बनाए जाने चाहिए ताकि हम लोग भी सामान्य जनजीवन जी सके। इसके लिए लोगों ने आंदोलन भी किए, संघर्ष भी किए, सरकार से उन्होंने दबाव भी डाला और सरकार ने उसके लिए काम भी किए। उनमें से एक जो नया कानून बनाया गया होता आर्टिकल 17, जिसमें अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता या अछूत, जो पहले लोगों को जो है अछूत समझा जाता था, यानी कि किसी के निचली जाति के लोग जो होते थे, दलित होते थे, अगर किसी को छू लेते थे या पानी तालाब, उसी तालाब से पानी, जलाशय से पानी पी लेते, उसी नलके से पानी पीते थे जिसे ऊंची जाति के लोग पीते थे, उसको छू लेते थे तो उस नलका या उस तालाब के पानी को दूषित मान लिया जाता था। तो इस तरह की जो अनटचेबिलिटी थी, इस तरह को जो आर्टिकल 17 में खत्म किया जा चुका है, तो इस तरह के जो कानून है वो इन लोगों ने दबाव बना करके बनाए और अब जो है आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ठीक इसी आर्टिकल से मिलता जुलता एक आर्टिकल है आर्टिकल 15,
जिसमें सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, नस्ल या जेंडर का हो, जेंडर मीन्स स्त्री या पुरुष, किसी भी नस्ल जाति का व्यक्ति हो, यहां तक कि माइनॉरिटी को भी, सभी को अपने धर्म, किसी भी धर्म जाति के व्यक्ति के ना उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल भी एक तरह से जो है उसी हास्य कल पर जो लोग हैं उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल माना गया। माइनॉरिटी के लोग जो कि अलग अलग धर्म जाति, अलग अलग धर्मों के होते हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति होती है, उन्होंने भी इस आर्टिकल का यूज किया अपने लिए, क्योंकि उनका धर्म अलग होता है, संस्कृति अलग होती है। और हमारे इस आर्टिकल में सभी लोगों को अपने धर्म संस्कृति के अनुसार तमाम तरह के क्रियाकलाप करने का अधिकार है। कोई भी प्रोफेशन वो चुन सकता है, अपने धर्म के अनुसार अपना जो है कर्मकांड कर सकता है। ये सब जो है इस आर्टिकल 15 में है। तो इन लोगों ने जो है इस आर्टिकल का यूज किया है अपने ऊपर एक सामान्य जनजीवन जीने के लिए, सरकार का दबाव बनाकर इन आर्टिकल का यूज किया गया, ठीक है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए सरकार ने कुछ कदम उठाए, क्योंकि उन्होंने जब आंदोलन किए, संघर्ष किए लोगों ने, तो सरकार ने भी नई लॉज, नई पॉलिसियां बनाई। नई पॉलिसीज कैसे, जैसे कि जो दलित बहुल क्षेत्र है, जहाँ पे दलित लोग ज्यादा है, संख्या में रहते हैं, उनके लिए मुफ्त में हॉस्टल, छात्रावास की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और यदि एजुकेशन वो हासिल करते हैं तो उनको फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रिजर्वेशन की सुविधा की गई है, ठीक है। रिजर्वेशन कैसे, नौकरियों में और एजुकेशन में उन्हें जो है आरक्षण की सुविधा दी गई है। हालांकि ये विवादास्पद जो है इश्यू बन चुका है आरक्षण का, आज भी इस पर बहुत चर्चा होती है और विवाद बना हुआ है। लेकिन ये सब क्यों किया गया, आरक्षण क्यों दिया गया, स्कॉलरशिप दिया गया, छात्रवृत्ति दी जाती थी एजुकेशन के लिए, क्योंकि उस समय प्राचीन समय में दलित समुदाय के लोगों को या हास्यकरण पर जो लोग धकेल दिए जाते थे, उन लोगों को एजुकेशन हासिल करने की स्वतंत्रता नहीं थी, उन्हें एजुकेशन से वंचित किया गया था। तो सरकार ने यह प्रावधान किया कि ऐसे लोगों को शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए उन्हें शिक्षा में जो है मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया, स्कॉलरशिप दी गई और रिजर्वेशन दिया गया। नौकरियों में भी रिजर्वेशन दिया गया ताकि वो लोग जो है एक मुख्य धारा से जुड़ सके, यानी सामान्य लोगों की तरह जीवन जी सके। ये व्यवस्था सरकार ने की थी, नए नए कानून, नए नए लॉज बनाए थे, नई नई पॉलिसीज बनाई थी। इसके अलावा राज्य सरकारों या केंद्र सरकार दोनों के पास ही अपने तमाम दलित समुदाय के लोग हैं, या जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उनकी जो है तमाम सूचियां जो है लिस्ट होती है। लिस्ट इसलिए ताकि वो लोग जो है ये वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जनजाति के हैं उसका एक सर्टिफिकेट जो है ताकि बना सके, कास्ट सर्टिफिकेट बना सके, ताकि वो लोग उसको दिखा सके कि हम अनुसूचित जाति से आते हैं या अनुसूचित जनजाति से आते हैं। तो राज्य सरकार के सरकार दोनों के पास वो लिस्ट होती है जिसमें कि वो उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो कि उनकी नौकरी जॉब में काम आ जाता है। लेकिन अब जो मुख्य संस्थान जैसे मेडिकल लाइन है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने एक नई तरीका अपना लिया है, जो कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। कट ऑफ लिस्ट क्या है कि यदि कोई व्यक्ति है 100 पैसे, मान लीजिए कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, कोई कंपटीशन में बैठा है मेडिकल के, तो अगर उसे 100 नंबर में से उसको 50 या 60 या 70 नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है, कम से कम मिनिमम जो है इतने मार्क्स उसको लाने हैं। और उसी प्रकार एससी या एसटी के जो छात्र हैं उनको भी उसमें सुविधा ये कर दिया कि 60 या 50 मार्क्स जो ला सकता है। लेकिन अब क्या कर दिया है कि अब 50-60 मार्क्स ला कर दे, 50-60 से ज़्यादा जो बच्चा अंक लाएगा उसी को ही जो है मेडिकल में प्रवेश या किसी और संस्थान में प्रवेश एंट्री मिल सकती है। तो इसे कट ऑफ लिस्ट कहा गया। इसलिए अब जो व्यवस्था थी उसमें चाहे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के व्यक्ति क्यों ना हो या कोई भी हो, उन्हें जो मिनिमम जो मार्क्स जो लिमिट रखी गई है उससे ज़्यादा लाने ही होते हैं। उससे क्या होता है, जो दलित समुदाय के बच्चे हैं, छात्र हैं, वो अगर 50-60 से अंकों से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो उनको जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, या कोई किसी कारणवश अगर पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है तो सरकार जो उन्हें अनुदान भी देती है, उन्हें सहायता करते हैं, ऐड करते हैं ताकि वो पढ़ सकें, ठीक है। आगे प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी, यानी कि दलित और आदिवासियों को सुरक्षा कैसे की जाए, उसके लिए जो कानून बनाया गया था 1989 का एक एक्ट बनाया गया, उस एक्ट के थ्रू उसे छोटी सी स्टोरी समझते हैं।
जकमालपुर एक गांव है जहां पर हर 5 साल में एक बार जो है एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें 20 गांव के जो 20 पुजारी हैं वो आते हैं, और उन पुजारियों को पूजा करने से पहले दलित समुदाय के व्यक्ति से अपने पैर धुलवाने होते हैं। रत्नन नाम का एक लड़का है जो इस बाहर शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है, और हमेशा से उसके समुदाय के जो समुदाय में से उसके दादाजी उसके पिताजी ये काम करते आ रहे थे, उनके पुजारी को पैर धोते थे और उस पानी से फिर उनको नहाना पड़ता था। इस बार जो बारी थी वो रत्नम की थी, चूंकि रत्नम पढ़ा लिखा था इंजीनियरिंग कर रहा था, उसने इस परंपरा को मना कर दिया कि ये बिना मतलब की परंपरा है। जब उसने इस काम करने से मना कर दिया तो जो ऊंची जाति के लोग थे वो बाग बुलबुला हो गए और उसके खुद के समुदाय के लोग भी उससे नाराज हो गए। उन्होंने क्या किया कि ये पढ़ लिख गया है, इस वजह से इसके जो है सोच अलग हो चुकी है, इसलिए उन्होंने उनके समुदाय के लोगों ने से कहा कि अगर आप ये लड़का इस काम को नहीं करता है करते को तो, क्योंकि छोटे समुदाय के लोग जो होते थे दलित समुदाय के लोग वो इनके खेतों में काम करा करते थे, मजदूरी किया करते थे, उन्होंने कहा अगर ये लोग नाराज हो जाएंगे तो हमें काम कहाँ से मिलेगा। इसलिए उन लोगों ने कहा जो ऊंची जाति के लोग थे पुजारी, उन्होंने कहा कि आप इन्हें समाज से बहिष्कार कर दीजिए, उनके परिवार को अलग कर दीजिए। इस सब के बावजूद भी उन्होंने उनके परिवार को पूरी तरह से अलग करने के लिए उनकी झोपड़ी में आग लगा दी थी। किसी कारणवश किस तरह से रत्नम जो है वहाँ से बचकर निकल जाता है अपने माँ को साथ लेकर के, और फिर जाकर के वह जो है शहर में जाकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है, जो कि 1989 एक्ट के तहत की गई थी। इसके अनुसार जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी चाहे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम एक्ट कहा गया है 1989, इसमें किसी के साथ अगर कोई अभद्र व्यवहार किया जाता है या उसके साथ अपमानित व्यवहार किया जाता है तो उसके तहत उसको सजा का प्रावधान है। ये परंपरा वहां समाप्त हो गई, लेकिन अभी भी जो है लोगों के मन में जो है इसके लिए सवाल उठ रहे थे। अच्छा, ये 1989 का जो एक्ट बना था उसकी डिमांड जो हुई थी वो साउथ की तरफ जो किसान थे जो दलित लोग थे उनके ऊपर उन्होंने इसकी डिमांड की थी, क्योंकि जो मौलिक अधिकार थे उसका अधिकार वो लोग कर ही नहीं पा रहे थे। सरकार पर उन्होंने दबाव डाला कि जो मौलिक अधिकार में मिले हुए हैं हमारे पास हमारे ऊपर आए दिन अत्याचार होते रहते हैं, शोषण होता रहता है, तो उसके लिए आपको या तो उन मौलिक अधिकारों को लागू कराया जाए या फिर नए कानून बनाए जाए। तो 1989 का ये एक्ट बनाया गया जिसमें वो व्यक्ति जो दलित समुदाय के हैं या जिन निचले समुदाय के लोग हैं जिनको अपमानित किया जाता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या उन्हें उनकी जमीन से संसाधन से अलग किया जाता है, तो उसमें ये एक्ट जो है कानून कार्य करता है। और इस एक्ट का इस्तेमाल जो है वो दलित समुदाय के लोगों ने भी किया है। ठीक है, दलित समुदाय के लोग भी इस एक्ट का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले समझ लें कि कुछ एक प्रथा हमारे देश में ऐसी भी थी कि दलित समुदाय के लोगों में से भी अति शूद्र जो माने जाते हैं वो लोग जो थे घरों में जब लैट्रिन होती है सबकी लैट्रिन उनकी लैट्रिन को उठाने का काम करते थे। ठीक है, और ये हमारे देश में बहुत पहले से प्रथा चली आ रही थी, लाखों लोग जो थे इस कार्य से जुड़े हुए थे जिसमें उन्हें सूखी लैट्रिन जो है अपने सर पर ढो करके कहीं और फेंकने जाना पड़ता था, इन्हें कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजर। और ऐसे लोगों को समाज में जो है अछूत या दूषित माना जाता था, इन्हें मंदिरों में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी, जो सामाजिक जो नल होते हैं या जलाशय होते हैं वहाँ पर तब उनको पानी को यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती थी या किसी भी और चीज़ को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। तो 1993 में सरकार ने एक कानून बनाया जिसका नाम था एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन एक्ट 1993। जब इस एक्ट को बनाया गया था तो इसमें उन लोगों को ये काम छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन बाद में कुछ समुदाय संगठनों ने इसके लिए आवाज उठाई कि अभी भी ये कार्य हो रहा है, लाखों लोग इस कार्य कर रहे हैं, उनमें से 7 लोग खुद मेला ढोने वाले थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि इसका खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में ये बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये कानून बन चुका है तो अभी तक ये तो खत्म हो जाना चाहिए था, बजाय इसके मेला ढोने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ रही है। इसके लिए उन्होंने सरकार को आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप किसी तरह से चाहे कोई नया कानून बने इस प्रथा को खत्म किया जाए और इसके बदले में उन्हें कुछ और रोजगार दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो है अलग अलग समुदाय में अलग अलग नाम से जाना जाता है जो गंदे कार्य उस समय करते थे, जिनमें गुजरात में भगी कहा जाता था और दूसरी जगह उनके नाम खलासी अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, अब
बात करते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो 1989 के एक्ट में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया था, मैं बताता हूँ आपको कुछ और चीजें इसमें जोड़ी गई, जिसमें जो शारीरिक प्रताड़ना लोगों को दी जाती, शोषण किया जाता था दलित समुदाय के लोगों ने, उस वो इस कानून के अंतर्गत आती है। इसमें कौन कौन से अपराध आते थे, ऐसे अपराध जिनमें निचले समुदाय के लोगों को गांव में सामाजिक जगहों पर नंगा घुमाया जाता था, या उनके मुंह पर कोई कालोस या कुछ भी ऐसी चीज रंग लगाना, या उन्हें जबरदस्ती उनसे गुलामी काम कराना, उनकी इंसल्ट करना, या उनकी जमीन जो उनको आवंटित की गई सरकार के द्वारा उस जमीनों पर अपना कब्जा करना, उन्हें खेती न करने देना, और उनसे जबरन जो है दूसरे कार्य करना, यानी उनके साथ जो है ऐसा अमानवीय व्यवहार करना, इसकी इस तरह की चीजें जो थी। और दूसरा ऐसा कोई गंदा पदार्थ उनको ना खिलाया जाए, जबकि ऐसा होता था अपना टॉयलेट या गंदी चीज जो है ऊंची जाति के लोग दलित समुदाय के लोगों को खिलाते थे अगर उनकी बात नहीं मानते थे। तो इस प्रावधान में ये कहा गया है ऐसे अपराध जो किसी को गंदा पदार्थ या उन्हें नंगा घुमाना या उनके साथ मारपीट करना, ये चीज जो है कि सब एक्ट में शामिल करके ऐसे अपराधों के लिए ये कानून बनाया गया था। इसके अलावा जो महिला है चाहे वो आदिवासी समुदाय की या दलित समुदाय की, उनके ऊपर जो अपमानित व्यवहार जो उनके साथ किया जाता था उसके लिए भी ये कानून जो है वो प्रबल था या प्रभावकारी बन गया था। अब ट्राइबल सोसाइटी के लोग आदिवासी समुदाय के लोगों ने भी इस एक्ट का यूज किया, क्योंकि इसमें कहा गया है कि उनकी जो पैतृक जमीन है उस पर यदि कोई हमला करता है कब्जा करता है तो उससे ये कानून जो कार्य करता है। दलित जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनकी समस्या बस भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि वो लोग जो शुरू से प्राचीन समय से ही जंगलों में रहा करते थे वो उन्हें अपनी पैतृक जमीन मानते थे, उन पर प्राकृतिक तरीके से रहते थे और वहाँ की चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। तो उनको लगता था कि बाहर के लोग आकर के जो है उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया और यहाँ के आदिवासी लोगों को जो है उनकी जमीन से वंचित कर दिया है। ठीक है, तो वो इस कानून के लिए आदिवासी लोगों ने भी अपनी आवाज उठाई कि हमारे साथ कैसे हो रहा है कि हमारे संसाधन जो उनसे छीन लिए गए हैं और जबरन हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। सीखे जाने जो कि आदिवासी समुदाय के एक्टिविस्ट हैं कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी इसकी आवाज उठाई और उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि आदिवासी लोगों को उनकी जमीन से जो वंचित किया गया उसके लिए नया कठोर कानून बनाया जाए। और इसके लिए सरकार भी एक हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ही ऐसी जगहों पर जो है मिल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज या डैम्स बनाती है या बर्ड जो क्या कहते हैं जान जो जंतु सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाती है, उसके कारण जो वहाँ के लोगों को अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ता है, उन्हें वंचित होना पड़ता है और वो अपने उनकी जमीनों से उन्हें बेदखल किया जाता है। तो इसके लिए कानून बनाने के लिए जो है मांग की गई, इनमें सीखी जाने जो प्रमुख थे जो कि आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते थे, उन्होंने इसकी आवाज उठाई और सरकार पर दबाव डाला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग जो इन जमीनों को छोड़कर जा चुके हैं उन्हें भी इसका मुआवजा मिल सके, वो वापस लाया जाए या उनको मुआवजा मिले या उन्हें कहीं ऐसी जगह रहने की व्यवस्था की जाए जो उन्होंने अपनी जमीनों से वंचित हुए। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमने ये बताया कि ऐसे जो मार्जिनल पीपल्स के लिए उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया और किस तरह से सरकार पर दबाव डाला, सरकार ने उनके लिए कानून बनाए। ठीक है, तो ये इस तरह उन्होंने इस हास्यग्रंथ से कैसे निपटा जाए ये इस चैप्टर के माध्यम से हमने पढ़ा। लेकिन सवाल ये होता है हमें कि इस तरह के कानूनों को केवल पेपर में बनाना ही काफ़ी नहीं होता है, उन्हें लागू करना भी जरूरी होता है। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, तभी जाकर के इतनी पुरानी जो परंपराएं प्राचीन जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है मैडम, ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब आपके जो UT 3 के जो है सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यदि कोई भी आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है बेटा तो आप उसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।